सर जी, ये पूछना था कि त्रिवेणी टरबाइन में जो उसका थर्ड कैंडल था उसमें विक बहुत लंबा था, तो उस विक को कंसिडर करके 26% की रैली बन रही है, तो जी हमको क्लोजिंग पे टच करके 26 मतलब रैली देखना है 20% के आसपास की, पूरा विक तक देख सकते हैं ऊपर पूरा तक। विक्टर देख सकते हैं हम। ओके सर जी, तो इसका फंडामेंटल भी सही लग रहा है, तो सोच रहा था कि देखा जाए इसको, त्रिवेणी टर्बाइन। फंडामेंटल तो ये मतलब वो ये देखो, मैं एक ही चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे स्टॉक्स जब नीचे गिरे हों तब खरीदना चाहिए। मतलब फंडामेंटल तो हाँ काफी अच्छा है, फंडामेंटल में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है मतलब एक मेरी नीचे की डेफिनेशन अलग है, आपकी नीचे की डेफिनेशन अलग हो सकती है। मैं स्टॉक को मोटा मोटा जब तक वो 200 दिन के डीएमए से नीचे नहीं आता तब तक मैं बाय नहीं करता। यहाँ से विद दैट अच्छा बीइंग सेड ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। मतलब अच्छा स्टॉक है, रिसेंटली एबीबी ने भी यही किया था, ऊपर ही सिग्नल बना था और ऊपर गया भी था, तो हाँ इसमें ये 26% की अपॉर्चुनिटी आई कैन सी एंड ऊपर जाना शुरू कर भी गया है। लेकिन वही हाँ मतलब मैं पर्सनली बाय नहीं करूंगा, सिंपल रीजन 200 दिन के मूविंग एवरेज से अभी भी बहुत ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर है। मतलब अच्छा, ठीक है। बुरा नहीं है, पास में भी ऊपर के बाद और ऊपर गए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम हाई कंपनीज ब्रेक करके नए ऑल टाइम हाई नहीं बनाती, बिल्कुल बनाती हैं, लेकिन मैं उस चीज पे बैट नहीं करता हूँ। मैं बैट करता हूँ कि कंपनी बहुत ज्यादा गिर चुकी है, अब ऊपर जाएगी। ठीक है अच्छा।